हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ नया लेके आए हैं। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, तो बच्चों को खाने के लिए कुछ अलग से हमने आज इस तरह बनाया है, और इसको तो बड़े भी पसंद करने वाले हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने क्या क्या लिया है? ये छोटू से जो पाव आते हैं हमने उसको मंगाया है। तो हमने हरी मिर्च काट लिया है, अदरक लहसुन, दो प्याज है, एक नींबू है, और पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, दो टमाटर है, और ये आलू है। और हमने गैस पे कढ़ाई रख के तेल डाल दिया था, गरम हो गया। अब उसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। खूब अच्छी तरीके से जीरा चिटक गया है, तो अब हम उसमें लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन पक जा रहा है, अब उसमें हम प्याज भी डाल दे रहे हैं, हरी मिर्च भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम अदरक डाल दे रहे हैं। अदरक इसलिए देर से डाले हैं कि अदरक बहुत जल्दी पक जाती है, तो बर्तन में वो चिपकने लगती है। आप तेल हो या रिफाइंड हो, कुछ भी डालिए तो उसमें अंदर से चिपकने लगती है। तो हमने थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है, और ये अच्छे तरीके से हल्दी पक जा रही है। अब इसमें हम आलू जो है, दो तीन आलू बड़े काट लिए थे, आप अपने अनुसार काट सकते हैं, जितनी आपको आलू की आवश्यकता है। तो हमने अपने अनुसार काटा है। इसको अच्छे से अब हम भून ले रहे हैं। इसको इतना भूनेंगे कि थोड़ा सा आलू पक जाए। तो एक चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम भून ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी बहुत आलू थोड़ा सा पक गई है। अब इसमें हम पत्ता गोभी को जो काट के रखे थे उसको भी डाल दे रहे हैं। अब इसको हम धीमी गैस पे अच्छे तरीके से भून ले रहे हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। पत्ता गोभी जो है ना, पानी थोड़ा छोड़ती है, तो इसको हम गैस धीमा करके अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से चला के भून देंगे। भूनने के बाद इसमें हम अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। और अब इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ा सा पकने के लिए। पानी बिल्कुल नहीं डाले थे हम, तो ढक के रख दिए थे। थोड़ी देर से पक गया है। अब उसमें हम थोड़ी टमाटर जो काट के रखे थे उसको भी इसको हम डाल दे रहे हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे। टमाटर अच्छे तरीके से गल गए। और हमने अब धनिया डाल दिया, उसके बाद नींबू को निचोड़ दिया है, उसका रस। तो ये मेरी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी आलू की सब्जी बन के तैयार हो गई थी। तवे पे अब हम ये छोटू से जो पाव हैं उनको मैं अच्छे तरीके से उलट पलट के सेंक ले रही हूँ घी में। बहुत धीमी आंच पे इसको हम सेकेंगे, और अच्छे तरीके से दबा दबा के सेकिए, तो बहुत अच्छा ये सेकने के बाद आता है।
टेस्ट है इसका। तो ये देखिए हमने सेक के इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हम टमाटो किचप लगा दे रहे हैं, मीठी चटनी है। इसको अच्छे से नीचे लगा दे रहे हैं। तो पत्ता गोभी का छोटू बर्गर बना के बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, और बच्चे पत्ता गोभी खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, तो इस तरह पत्ता गोभी भी खिलाइए तो उनको बहुत अच्छा लगे खाने में। तो हमने थोड़ी टमाटर, धनिया और लहसुन अदरक की चटनी भी बना लिया था, तो हमने उसको भी नीचे लगा दिया है। अब ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया था, तो चम्मच की सहायता से हाथ में छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बना दे रहे हैं, और टिक्कियाँ बना के उसे पाव पे रख दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ भी हमने मीठी चटनी और खट्टी चटनी दोनों भी लगा दे रहे हैं, और इसको ढक के दे रहे हैं। और ये सब चीज़ तो जो है, चाय हो, सुबह का नाश्ता हो, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बड़ों को भी पसंद आएगा, बच्चे तो दौड़ के खाएंगे। तो पत्ता गोभी का बर्गर ये बनके तैयार हो गया है। आप लोग प्लीज बनाइएगा, खाइए, कमेंट करके बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते दोस्तों।